सुरिंदर सिंह को चाकू मिल गया है। आज रामलीला का प्राण समारोह तो आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जिस तरह से अयोध्या में हो रहा है, अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुकुवा हनुमान मंदिर जाकू पहुंचे हैं। भाई अंदर को चलो, अब अंदर को चलो। बोल सियापति राम चंद्र की जय। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। बोल सियापति राम चंद्र की जय। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदिजा देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता शनि देवता वरुण देवता ओम करपूर गौरव सियापति राम चंद्र की राहु बाहु बलम प्रस्तम केतुकुल सन्नति नित्या प्रीतिकरामन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखं भाग्भवेत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य बोल सियापति राम चंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्गदा मंगलम कुंडलिकाक्षाय नवावतारमंतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम यो भजो नमामि यो ओम नमः शिवाय शरणे जयन्ति मंगला काली भद्रकाली फल दुर्गाक्षमय वाधाते स्वाहसदान हेतम देवी चन जय श्री देवी कालरात्रि नमः ओम मनोजम मार्ग खुले भी सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जाएंगे
हट जाओ इधर, वापस परिक्रमा करके आएंगे। इसमें डालो, इसमें दान पात्र, यही वाला दान पात्र। अच्छा अच्छा, तब तो दे दो। दक्षिणा है, ठीक है, सीम साहब जी, रामचंद्र की जय। पीछे 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 नहीं नहीं यार, ठीक है, यहाँ छाया में ठीक है, छाया में ठीक है, सब छाया में लाइट का स्टार ही हमारा। नहीं नहीं यहाँ ठीक है, चौहान साहब की फ्रेम देख लो, बहुत बढ़िया, यहाँ बढ़िया है, ऊपर ही सीढ़ी भी खड़े होना। हाँ तो और पीछे आ जाओ, यहाँ ठीक है, छाया में पीछे रहो ना, हाँ ठीक है, इतना बहुत ये तार किसके नीचे। हनुमान जी सब शांति हाँ बस इतना रखो, बस यहाँ खड़े रहो, उसको देख रहे हैं आप तस्वीरें राखू हनुमान मंदिर की। खुद ही शुरू कर दो, हम ही गा देते नहीं तो। वरुणो रघुवर विमल जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, फल बुद्धि विद्या हे मूरी अनु कलेश विकार। जय राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निहार सुमति के संगी,
कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बल और धरा विराजे कांधे मूंद जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुन मै को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप रजनी दिखावा बिगड़ रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहाये राम चंद्र के काज सवाये लाए सजीवन लखन जियाये श्री रघुबीर हर सुर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय हरि सम्भाई सहस बदन तुमरे जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा जम कुबेर दिगपाल जावे कवि गोविंद कह सके कहां दे तो उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलो गाही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माही जलधि राम के रच रच नाही जगदम काज जगत के जेते सुगम मनु मैं तुम्हरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिनु बैसारे सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आंकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब कर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हर्ष सिद्धि नौ निधि ये दाता असवर दीन ज्ञान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न रही हनुमत से ईश्वर सुख करे संकट करे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बाल पाठ कर कोई झूठी बंदे महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी कोरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मा डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु जय हनुमान जय जय हनुमान चंद्र भगवान की जय हनुमान की जय 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 पड़ा हो गया था अरे दिख तो अभी कैसे आएगी आवाज़ किधर से।
पहुंच गया मैं ट्रॉली से सर प्रतिष्ठा के इस मौके पर क्या कहेंगे जाकू मंदिर में आप पहुंचे हैं? देखिए माइक डाउन कर दो, हनुमान जी के कारण राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे हैं। हमने आज यहाँ हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर उनके हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो भगवान राम की आज पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हनुमान जी के कानून वैद रामायण अधूरी है। परम भगत थे, उनके चरणों को ऊपर बैठकर जो दिशा उन्होंने तय की है उस दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों से अनुरोध करता हूँ कि आज सब लोग अपने घरों में दिया जलाएं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आदर्श है, जो रामचरितमानस हमें रास्ता दिखाता है, पूरे रास्ता को अपनाना चाहिए। सर आप यहाँ आए हैं तो जैसा पहले भी आपने कहा कि हनुमान जी की मूर्ति तो राम जी की मूर्ति से हाँ उसके लिए देखिए हनुमान जी परम भगत थे राम जी के और राम जी के अधूरे हैं हनुमान जी। हमने राम जी की मूर्ति लगाने का यहाँ निर्देश दिए हैं और प्रयास ये है कि अच्छी जगह मिले और उसकी पूरी क्लियरेंसेस लेने के बाद यहाँ मूर्ति की स्थापना की जाए। सर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है सनातन की जीत हुई है और मुख्यमंत्री को भी इस बात का आभास हो चुका है। देखिए हम तो खुद सनातन धर्मी हैं, मुझे किसी चीज़ के एहसास की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको तो हर चीज़ में राजनीतिक रोटियाँ सीखनी है नेता प्रतिपक्ष को। तो इसलिए जब भी हम शुभ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं तो उस दृष्टि से उनको जो भी हमारे अच्छे कार्यों तक पीड़ा होती है, मैं तो कहूँगा कि आप भी सनातन धर्म के जो आदर्श है और राम के दर्शन उन पर चलें। सर राहुल गांधी जी को रोका है असम में कहीं मंदिर में जाने से? राहुल गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की और सभी लोकतंत्र में अधिकार है किसी देश के किसी राज्य की भूमि पर जाकर वो कोई भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उनको रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता और जो भी सरकारें उनको रोकने का कोशिश कर रही है वो गलत है और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को रोकने का वैसे तो किसी में मंदिर में जाने किसी में दम नहीं है क्योंकि वो खुद इतने मजबूत व्यक्ति है कि वो इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। अड़चने पैदा जो लोग करते हैं वो गलत मानसिकता का अपना परिचय दे रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी यात्रा शुरू करने का अधिकार है। बिशप शर्मा ने ये कहा है कि अभी तो वो कुछ नहीं करेंगे, चुनावों के बाद 2-3 महीने बाद गिरफ्तार करेंगे राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी जी ने कोई गलत काम किया जो गिरफ्तारी होगी वो ठीक है कि ध्यान बांटने के लिए वो इस प्रकार की बयानबाजी असम